तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइक्स जोस्ट गेमिंग। तो हाँ, आप जैसा कि देख सकते हैं, आपका भाई धीरे धीरे सीख रहा है वीडियो एडिटिंग। तो काम चला लो और थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और क्या करते हैं, हाँ सजेशंस दे दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो आज हम किस लिए हैं, आज हम आए हैं यार ये क्या खुल रहा है, टाउन हॉल 10 पे, टाउन हॉल 10। और जैसे कि पता है CWL आ चुका है और यहाँ पे वॉर भी लग चुकी है और बंदों ने मेरे को खिलाया नहीं है। वेल, हम शफल करते रहते तो लास्ट में मैं खेल लूँगा। तो आज हम करने क्या वाले, आज मैं आपको दूंगा कुछ टाउन हॉल 10 के तगड़े CWL के बेसिस, जो कि बहुत तगड़ा डिफेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ कस्टम डिज़ाइन बेसिस भी हैं जो कि मैं आपको बाद में ट्रॉफी पुशिंग और डार्क लेग्जार सेविंग के बेस दे दूँगा। तो सबसे पहले आते हैं इस बेस पे, ये है एंटाई 2-स्टार बेस। तो आप बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है, ये आप तब यूज़ करें थोड़े लोअर लीग में यूज़ करें, यहाँ पे सिंगल टारगेट आइसोलेटेड इन्फर्नो है। हाँ देख रहे हैं, थोड़ा रश नहीं है बेस, ये नया टाउन हॉल 10 है, देख सकते हैं टाउन हॉल 9 की सारी चीज़ें मैक्स हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड आपके इन्फर्नो टावर से सिंगल, जो कि क्वीन चार्जर्स को बहुत तगड़ा रोकेंगे। मैं इससे ज़्यादा हायर CWL की लीग में रिकमेंड नहीं करूँगा, पर हाँ गोल्ड 1 तक ही अच्छा डिफेंड कर लेंगे। फिर अगर आते हैं अगले बेस की तरफ, बेस नंबर टू है आपका ये, यप ये वाला काफ़ी अच्छा तगड़ा डिफेंड करता है। ड्रैगन अटैकिंग तो इसे भूल जाओ, कि दो दो आपके मल्टीपल इन्फर्नोज हैं, मल्टी टारगेट, यहाँ पे ग्राउंड एक्सपो है और यहाँ पे एयर एक्सपो है। वेल, मैंने तीनों ही ग्राउंड रखे, तो आप तीनों ही ग्राउंड रखें। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी क्वालिटीज़ बता देते हैं। ये बेस काफ़ी अच्छा डिफेंड करता है और इसके लिए मैं रिकमेंडेड CC में बताऊंगा ड्रैगन विथ आर्चर्स। आप सोचेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन आजकल काफ़ी कॉमन CC हो गई है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इलेक्ट्रो ड्रैगन रखें, ड्रैगन्स आपको मिल ही जाएंगे आराम से, आर्चर्स भी आप भर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट बेस की तरफ, क्योंकि मैं आपको तीन बेसेस दूंगा CWL के, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये भला क्या आप बोलेंगे, यार यहाँ पे तो तू 1-स्टार सीधे ही दे दे रहा। तो यही तो इसकी खासियत है, टाउन हॉल 10 पर आपको सीज मशीन्स मिलती हैं और सीज मशीन्स की पाथिंग ख़राब करने के लिए ये कॉर्नर टाउन हॉल्स होते हैं। तो ये भी अच्छा खासा डिफेंड करता है, ये आप हायर लीग में यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्रिस्टल 3 में और क्रिस्टल 2 में अगर टाउन हॉल 10 लेके जा रहे हैं। वैसे इतनी हायर लीग में खेलने की जरूरत नहीं, पर अगर आप मिस मैच से डील करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 2-स्टार तो कैसे भी निकालेंगे हायर टाउन हॉल 11 तक, पर आपको सेव करने की कोशिश करना चाहिए। इस बेस के लिए भी मैं आपको ड्रैगन से आर्चर्स रिकमेंड करूँगा। तो अगर हम सबसे एक अटैक कर लेते हैं जाने से पहले, और देख सकते हैं ना हमारे पास क्वीन है, टाउन हॉल 10 हम नए हैं तो हमारे पास ये टाउन हॉल 9 के ड्रैगन्स हैं और अच्छी CC भी नहीं है। तो ऐसे अटैक मारते हैं और रैप अप करेंगे। और हाँ, तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, इस सीज़न के एंड होने पे मेरे को उसका फीडबैक भी जरूर देना। ये देखो रोस्ट करते क्वीन को, 1, 2, 3, 4 बूम बूम बूम, एफ क्वीन ने हमें ट्रोल कर दिया यहाँ पे। वेल, टाउन हॉल 10 है ये, रश तो नहीं कह सकते इसको, पर हाँ ठीक ठाक बेस है। और यहाँ पे हम सबसे पहले लून्स, ड्रैगन्स, पॉइजन, मैं इस अटैक से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप भी खुद मत उम्मीद रखिएगा। यहाँ पे किंग की एबिलिटी दे देता है, वेट करते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रो ड्रैगन हमारा आ चुका है CC का। वैसे हमारे CWL के लिए हमारी क्वीन डाउन है, इसलिए लग रहा बंदों ने हमें CWL से बाहर रखा है, यार बेइज्जती करा दे रहे हैं वीडियो में। तो ये थोड़ा हाई परसेंटेज जाके रुकेगा, आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट करके बताइए, वैसे पता तो चल ही जाएगा। लेट्स गो इलेक्ट्रो ड्रैगन का चेन देखना एक तगड़ा, यूप यार, ब्लैक माइंस को भी अभी निकलना था। हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे शहीद हो चुका है और इस अटैक को हम एंड करेंगे, क्विट बैटल करूँगा मैं पहले ए ए ए ए ए 69% पे, माय फेवरेट नंबर। तो चलिए रैप करते हैं आज, वैसे उतनी लंबी वीडियो थी नहीं,
बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको तीनों बेसेस दे सकता हूँ। इंडिया का ये कस्टम बेस है और बाकी ट्रॉफी पुशिंग ये तो इंजीनियरिंग के वक्त का था। तो ठीक है, मैं आपको बेसेस दे दूंगा तीनों लिंक में, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, थोड़ा लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। और अगर चैनल पे नए हो, वैसे नया चैनल तो सभी नए हो, तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय।